जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों, बिहार पुलिस में फिर से लगभग 19,000 प्लस पदों पर नई भर्ती आ रही है। तो साथियों, अगर आप लोग इसमें फॉर्म भरने वाले हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। बिहार पुलिस के लिए पहले से हमारा एक क्लास चल रहा है और उसका टाइम है रात 8 बजे से, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और साथियों, आज हम लोग बिहार पुलिस की नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा क्लास को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ पर है? मनीला, नैरोबी, लीमा या फिर डी बेरूत में। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए और साथियों, बिल्कुल आपको सोच समझ कर आंसर करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है केन्या की राजधानी कहाँ पर है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, केन्या की राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी। देखिए, केन्या की बात करें तो केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ पर है? नैरोबी में है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, इटली की राजधानी रोम को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर होगा इंडोनेशिया को। याद रखिएगा, सर्वाधिक द्वीपों वाले देश के रूप में इंडोनेशिया को जाना जाता है। इंडोनेशिया की बात करें तो इसका पहले राजधानी था कहाँ पर? जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया की जो नई राजधानी हो गई है, याद रखिएगा, वो नुसंतारा, यहाँ पे लिख देते हैं नुसंतारा, ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है। चलिए आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, एशिया महाद्वीप। और साथियों, अगर आप लोग टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को देख सकते हैं। और ये क्लास आपको कहाँ पर मिलेगा? तो मेरा दूसरा चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, तो वहाँ पर जाकर आप लोग डेली क्लास कर सकते हैं। टाइमिंग याद रखिएगा, शाम 7:30 बजे से। आगे देखिए, जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों, जापान की मुद्रा का नाम येन है। और जापान की राजधानी कहाँ पर है? तो जापान की राजधानी टोक्यो है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? अब देखिए, भूमध्य रेखा क्या है? तो जैसे कि ये आपका हो गया अर्थ, तो बीचों बीच से होकर ये जो रेखा गुजरती है, इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा, और इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। तो ऐसी कौन सी नदी है जो इस रेखा को दो बार पार करती है इस तरह से? तो ये कौन सी नदी है? तो याद रखिएगा, कांगो नदी। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है, कांगो नदी। कांगो नदी कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, ये अफ्रीका में स्थित है, कांगो नदी। और नील नदी की बात करें तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो विक्टोरिया झील से। आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है कालगुरली। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन स्वर्ण उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है कालगुरली, और ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को अपना अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है, किसे कहा जाता है? क्यूबा को। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है?
चलिए 9 के लिए आंसर बताएंगे, सवाना घास का मैदान कहाँ पर है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका में है सवाना घास का मैदान। आगे देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मैग्नीशियम, याद रखिएगा। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। आगे देखिए, वायु प्रदूषक का सूचक कौन है? तो याद कर लीजिए, वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है ये लाइकेन होता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है लाइकेन। आगे देखिए, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का सही जवाब है पानी। प्लाज्मा का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? तो पानी होता है। आगे देखिए, तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? तो साथियों, तारपीन का जो तेल होता है वो फाइन से निकाला जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है पाइन। आगे देखिए, राइजोम का उदाहरण कौन सा है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और पीडीएफ की बात करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, राइजोम का जो उदाहरण है ये अदरक क्या है? तो राइजोम का उदाहरण है। आगे देखिए, प्रथम जैन संगति जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने किया था, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर ध्यान दीजिए, बौद्ध संगति नहीं है, जैन संगति है। तो पहला जैन संगति जो हुआ था ये हुआ था पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, किसके समय में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। और प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूल भद्र ने। आगे देखिए, ऐतिहासिक स्रोत के अनुसार मगध का प्रथम वंश कौन सा था? तो साथियों, मगध का जो प्रथम वंश था ये हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार, याद रखिएगा, यहाँ पे नाम लिख देते हैं बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक। एक होता है बिंदुसार जो कि मौर्य वंश का शासक था, वो नहीं है, यहाँ पे बिंबिसार है। आगे देखिए, अशोक के किस अभिलेख से उसे प्रियदर्शी कहा गया है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो यहाँ पर 17वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? भाब्रु अभिलेख से। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहते हैं? तो प्यारे साथियों, मिथिला का जो स्वर्ण युग है किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है? तो कर्णाट वंश, यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और कर्णाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो नोट कर लीजिए, नान्यदेव। नान्यदेव कौन थे? कर्णाट वंश के संस्थापक। आगे देखिए, बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था? तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का आगमन हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है पुर्तगाली। चलिए आगे देखिए, रेगुलेशन 13 किस विद्रोह से संबंधित है? बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे आते हैं, आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों, रेगुलेशन 13 जो है ये संबंधित है कोल विद्रोह से। किससे? तो कोल विद्रोह से। आगे देखिए, वर्ष 1922 में बिहार में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 1922 में। तो 1922 में बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस का 37वां हुआ था लेकिन बिहार में हुआ था दूसरा, तो इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब है चितरंजन दास ने। और बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था गया में। और एक अधिवेशन हुआ था 1912 में, ये हुआ था पटना के
बांकीपुर में। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो कौन सा शासक है? तो याद रखिएगा, ये है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? तो बहुत ही सिंपल है, राष्ट्रकूट। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है सबसे लंबा समय तक चला था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना किया था। और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मान्यखेत। कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो प्यारे साथियों, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749-54 में हुआ था, और इसमें फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है इसकी समाप्ति किसकी संधि के तहत हुआ था? तो पांडिचेरी, यहाँ पे लिख देते हैं, पांडिचेरी संधि के तहत दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। आगे देखिए, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये कोलकाता से आगरा के बीच शुरू किया गया था। किसके शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये किया गया था किसके समय में? तो यहाँ पर 27 का आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन के समय में। तो बी ऑप्शन सही है, लॉर्ड लिटन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो पहला ब्रिटिश कौन था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूले। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, जॉर्ज यूले। आगे देखिए, सिख गुरु नानक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? देखिए, गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे, और इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। कहाँ पर? तलवंडी में। आखिरी क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले आप लोग सेशन को लाइक करते हुए और सेशन को शेयर करना ना भूलें।